खैरागढ़ उपचुनाव में जीत दर्ज करके कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा हुई विजयी। भाजपा के कोमल जंघेल ला 20,000 वोट से भी शिकस्त। जनता कांग्रेस प्रत्याशी के जमानत हुई जब्त। खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद रमन सिंह के आईस बयान, कही जिला बनाए के नाम में लोगन करीस मतदान, तंज कसत हुई कही का अगला चुनाव में 90 जिला बनाए के कर ही घोषणा। उपचुनाव में जीते के बाद भाजपा के बयान ऊपर सीएम करीस पलटवार, कही सरकार की नीति ले हुई जीत हासिल। भाजपा बनाए रही 9 जिला, जिमा से 8 जिला में भाजपा के हुए रही हार। सिर्फ जिला बनाए ले नहीं हुआ जीत। खैरागढ़ में कांग्रेस की जीत के बाद खैरागढ़ जिला निर्माण पर हलचल हुई शुरू। सामान्य प्रशासन और राजस्व विभाग शुरू करी इस कार्रवाई। इतवार संझा तक नवा जिला के हो सकते घोषणा। अपन मांग ल लेके आंदोलन करत विद्युत संविदा कर्मी मन के हड़ताल 38वां दिन घलो रही जारी। मांग ल लेके कर्मचारी मन तालाब में उतर के करीस जल सत्याग्रह। एक के बिगड़ी तबीयत। सरगुजा जिला में परसा कोल ब्लॉक के विरोध में ग्रामीण मन हुआ थे उग्र। 3 गांव के आक्रोशित ग्रामीण मन परसा ईस्ट ब्लॉक के अस्थायी कैंप और जनरेटर में लगाई आगी। खैरागढ़ जीत के पहली ही कांग्रेस के राजीव भवन में देखे ल मिली जीत के खुशी। फोड़े गई फटाका, ढोल ताशा बजाए के संग बांटे गई मिठाई। बीजापुर में नक्सली मन ऊपर हवाई हमला करे जाए के माओवादी मन लगाई आरोप। देर रात ड्रोन द्वारा हमला करे जाए के बात कहत प्रेस नोट करी जारी। हमला के फोटो करी साझा। और बालोद में कृषि विभाग में नौकरी लगवाए के नाम में 2.5 लाख रुपया के करे गई ठगी। नारद प्रसाद नागवंशी और यशोदा साहू मिल के एक घटना ल दिए है अंजाम। दोनों आरोपी पहली भी ठगी के मामला में जा चुके हैं जेल। दोनों ल पुलिस कर लिए है गिरफ्तार। हेडलाइन के प्रायोजक हैं मेडिबॉन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अत्याधुनिक और कुशल चिकित्सकों द्वारा संपूर्ण बीमारियों के इलाज की सुविधा, 2400 घंटे एम्बुलेंस और आपातकालीन चिकित्सा की व्यवस्था। मेडिबॉन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेलेजा सलून के पास, नेहरू नगर, मंगला चौक, बिलासपुर।